वृंदावन पुलिस के लिए नासूर बनी बेरिया बाबा आश्रम की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने परिक्रमा मार्ग से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया। आपको बता दें कि बेरिया बाबा आश्रम अंकुर घाट पर 4 और 5 जुलाई की मध्य रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने आश्रम के कर्मचारी एवं संत को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे 30,000 की नकदी एवं अन्य माल लूट कर फरार हो गए। मामले में रामचंद्र दास महाराज द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने बीती रात परिक्रमा मार्ग से चेतन बिहार निवासी विनोद बघेल पुत्र बलराम बघेल और बड़ी आटस निवासी उदय उर्फ दूधिया पुत्र लक्ष्मण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए 10,300 रुपए, 315 बोर के दो तमंचा और 4 जिंदा कारतूस एवं एक दीवार पंखा बरामद किया है। पुलिस ने जाँच में 3 नामजद और 2 अज्ञात अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं, जिनमें सचिन मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा निवासी धोरेरा, सरवण पुत्र नामानु निवासी धोरेरा और विनोद गुजर पुत्र हंसराज निवासी सिवाल थाना बरसाना और 2 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजकर पुलिस अब फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में SP सिटी उदय शंकर सिंह ने जानकारी दी। थाना वृंदावन पुलिस द्वारा दिनांक 5 जुलाई की रात्रि में बेरिया आश्रम पर हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया गया है। उक्त घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 10,300 रुपये, लूटा गया 1 सीलिंग फैन तथा 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। अन्य 5 फरार अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।